तो भाई भैया ने कर दिया है मस्त हेयर कट, और ये हमारे भैया है जिन्होंने हमारे लिए किया है हेयर कट। तो कैसा लग रहा है कमेंट पे जरूर बता देना। देखो भाई सीन देखो आप, तो बस बहुत नुकसान है भाई किसानों का। तो दोस्तों जय श्री राम, जितने भी लोग हमारे इस वाले ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई कल हमने डाले थे इसके अंदर, मतलब मैंने नहीं, मम्मी ने की थी हमारे सिर की चंपी, और आज कुछ ऐसे हो गए हैं बाल चिकट रहे हैं, तो इनको जल्दी से हम शैम्पू करते हैं और उसके बाद मम्मी बोल रही हैं बाल कटाने की। तो क्या लगता है आपको, कटाना चाहिए? चलो देखते हैं कटाना है नहीं कटाना है, वो तो बात की बात है, पर इसको पहले धो के आते हैं। चलो तो भाई हमारे हो गए एकदम बाल एकदम फ्रेश, पर मैं भाई बाल कटाने नहीं जा सकता क्योंकि बाहर इतना पानी बरस रहा है ना भाई, बिन मौसम इतना पानी कैसे बरस सकता है, मतलब जल देवता एकदम इतने प्रसन्न हो चुके हैं, वो भी बिना मौसम के, कुछ मत पूछो। इतनी फसल बेकार हो रही है भाई किसानों की, सब कुछ बेकार हो चुका है, क्या बोलूं, बस रुक जाओ जल देवता महाराज। चलो कोई ना, जैसे ये शांत हो जाएंगे, ठंडा गुस्सा हो जाए, सॉरी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे कटिंग कराने के लिए, जाएंगे जाएंगे। तो भाई हम तो खा रहे कचौड़ी पीताम्बरा माई की, लाइट कर दो बंद, देवता जी नहीं मान रहे हमारे जल देवता। तो भाई मैं जा रहा हूँ बाल कटाने के लिए, फाइनली बड़े हो गए थोड़े से कटवा लेते हैं, चलो मिलते हैं वहीं पर। तो भाई भैया ने कर दिया है मस्त हेयर कट, और ये हमारे भैया है जिन्होंने हमारे लिए किया है हेयर कट। तो कैसा लग रहा है कमेंट पे जरूर बता देना, और भैया ही बना रहे हैं अपना चैनल जो भैया पीछे वाले, तो जल्दी करेंगे भैया के साथ एक कॉलेब। बाकी भैया ने एक शॉप खोली है, नई शॉप है, मस्त है, आओ कटिंग कराओ बेहतरीन। तो भाई आप लोग बताना कि भाई ने हमारी कटिंग कैसी करी है। भाई मेरे को तो एकदम मजा आ गया, आप साइड लुक देखो और मस्त। अब भाई से हम डी टेन भी कराएंगे, और पर जब तक आप ये वाले वाल देखो भाई एकदम मस्त बनाया है। बाकी का मैं समीर को यहीं पे ले आया हूँ क्योंकि देर हो रही थी, यहाँ से जल्दी से पहनते हैं हम कपड़े, और मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट में जरूर बता देना। चलो चलते हैं, आज लगाएंगे खेच खेच के बॉडी बनाएंगे, ये देखो। चलो भाई भैया आज बड़े बड़े लोग हमारे घर पे बता रहे हैं, और ये देखो भाई का क्या चल रहा है, मैं ये कौन सा, ये तो वो चल रहा है ना बीपीएल। तो भाई मैं हो चुका हूँ एकदम रेडी जिम जाने के लिए, चलो चलते हैं। तो भाई आज जो वर्कआउट लगाएंगे हम, वो लगाएंगे अपर बॉडी का, क्योंकि हमने इससे पहले वाले उसमें लगाया था लोअर वर्कआउट, मतलब लोअर बॉडी वर्कआउट, मतलब लेग का वर्कआउट बोले तो थाई एकदम भाई भर दी थी और दर्द कर रही थी बहुत तरीके से। अब लगा रहे हैं हम अब लगाएंगे हम अपर बॉडी का वर्कआउट, वो भी समीर भाई के साथ। क्यों समीर भाई लगाओगे, क्या बात है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वार्म अप करना है तो गुलू भाई बताएंगे हमारे कैसे करते हैं। जैसे कि आपने किया इधर ले गए, फिर ऊपर ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर इधर ले गए, फिर ग्रेविटी आ रही है, इससे क्या होता है जो स्ट्रेच होना चाहिए ना मसल वो आपका प्रॉपर हो नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंट बैंड आते हैं ऐसे, बहुत से आते हैं पतले, वो और भी टंगे उधर बता दो, तो उससे ये आपको ये, इससे आपकी ग्रेविटी का भी ज्यादा प्रॉब्लम ना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि बार बार आपका लोड जा रहा है लोड आ रहा है, ठीक है, इससे एक प्रॉपर लोड बन के रहेगा। ऐसे कर सकते हो आप, मतलब हर तरीके से कर सकते हो। चेस्ट हो चुका है, अब आ रही है हमारे कॉलर की बारी। तो भाई मेरी हो चुकी है एक्सरसाइज पूरी और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए अब। तो भाई समीर और हम जा रहे हैं, वर्कआउट कर लिया हमने, क्यों भाई? हाँ। भाई तुम लोग भी करो जिम, जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जिम करना बहुत जरूरी है, बॉडी रहना आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। भाई
तो भाई मैं जैसे ही अभी घर पे आया, मेरे को पता लगा कि मेरे को शादी में जाना है और कई लोगों ने मेरे लिए कपड़े तैयार रखे थे जो मैंने पहन लिए, और मैं जा रहा हूँ अब शादी में। हरिओम भैया की शादी थी, मेरे को तो पता भी नहीं था, वो मम्मी ने बोला अभी शादी है, तो चलो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा शादी में। जल्दी से वहां से लौट के आएंगे, फिर करेंगे अपने दादा भाई से बात, कल दादा भाई हमारा चला जाएगा। और भाई हम ऐसे तैयार हो चुके हैं, देख लो आप लोग, और निकल रहे हैं हम, निकल रहे हैं हम। कटिंग कैसी करी हुई कटिंग वाले ने? अच्छी, बहुत अच्छी, अच्छी लग रहा है, सही में अच्छी लग रहा है। कटिंग वाला पास। भाई किसानों का इतना नुकसान हो रहा है ना, पानी भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैंने यहाँ पे अटेंड कर लिए शादी और मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। देखो भाई सीन देखो आप, तो बस बहुत नुकसान है भाई किसानों का। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे और इस वाले ब्लॉग को हम करेंगे जल्दी से एडिट और आप लोगों के लिए जल्दी से डालना है, इसलिए अगर अच्छा लगे तो प्यार दे देना और मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए बहुत सारा प्यार।